हेलो दोस्तों, तो आज हम मिल रहे हैं न्यू रेसिपी के साथ जिसमें हम बनाएंगे आलू बड़ा चाट। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिए। तो चाट बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 4 से 5 आलू, मीडियम साइज के आलू लिए हैं मैंने, और इनको मैंने पहले ही उबाल लिया था और अच्छे से ठंडा कर लिया है। चाट बनाने के लिए आलू अच्छे से ठंडे होने चाहिए। चाट बनाने के लिए आलू को मैश नहीं करना है, कद्दूकस नहीं करना है। सबसे आसान तरीका, आलू को ऐसे लेना है और इसको हमें हल्का सा प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं, और साइड से इसको हमें थोड़ी शेप दे देनी है वड़े के टाइप में। और आप देख सकते हैं, एक मैंने बना के तैयार कर लिया है, इसे हमें रखते जाना है और दूसरा भी हमें इसी तरह तैयार कर लेना है। हल्का सा प्रेस करना है और इसे हमें वड़े की शेप दे देनी है। तो आप देख सकते हैं, दूसरा भी मैंने बना के तैयार कर लिया है, इसे भी हमें साइड में रखते जाना है और इसी तरह हमें सारे बना के तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, सारे आलू को मैंने तैयार कर लिया है और अब हमें अरारोट का एक घोल तैयार करना है। तो उसके लिए हमें अरारोट ले लेना है। तो ये मैंने 4 से 5 चम्मच अरारोट ले लिया है और अब इसमें हमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, 1/2 चम्मच हमें इसमें नमक ऐड कर लेना है, 1/2 चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला ना हो तो आप अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब इन सारे मसालों को मिक्स कर लेना है इसमें अच्छे से, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका एक घोल तैयार कर लेना है, ना तो ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला। तो आप देख सकते हैं, ये अच्छे से घोल तैयार हो गया है अरारोट का। इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना तो ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। घोल हमारा तैयार हो गया है और अब हमें गैस पर एक पैन गरम रख देना है या फिर नॉनस्टिक की तवा गरम रख देना है, और उसमें हमें 2 चम्मच घी डाल देना है। और ये पैन मैंने गरम रख दिया है और इसमें हमें डालना है घी। तो 2 चम्मच हमें इसमें घी ऐड कर देना है। और अब ये हमें हमारा घोल तैयार कर रखा है वो लेना है और इसमें हमें एक आलू को डिप कर देना है अच्छे से, और इसको हमें घी में रख देना है पैन में। और इसी तरह हमें दूसरा भी एक ले लेना है। ये एक मैंने इसमें रख दिया है और अब इसको हमें लो फ्लेम पे अच्छे से एक तरफ से सिकने देना है। एक तरफ से ये अच्छे से सिक गया है और अब इसको हमें पलट देना है और दूसरी साइड से भी अच्छे से सिकने देना है। तो आप देख सकते हैं, ये दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है और अब इसको हमें निकाल लेना है और दूसरा हमें इसमें रख देना है। दूसरा भी मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसको भी हमें दोनों साइड से अच्छे से सिकने देना है, गोल्डन ब्राउन होने देना है और क्रिस्पी होने देना है। सारे वड़े मैंने बना के तैयार कर लिए हैं और अब हमें एक चटपटी हरी चटनी तैयार करनी है जो कि इस वड़े में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो उसके लिए हमें एक ग्राइंडिंग जार ले लेना है और ये मैंने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और वो हमें इसमें ऐड कर देना है, इसमें डाल देना है। और ये मैंने ली है 2 से 3 हरी मिर्च, ये भी हमें इसमें ऐड कर देनी है। और अब इसमें हमें डालना है 2 चम्मच दही, एकदम थोड़ा ज़्यादा खट्टा है ये, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसमें हमें ऐड करना है 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हमें इसमें नमक ऐड कर लेना है, 1/2 चम्मच ऐड करना है चाट मसाला, 1 पिंच डालेंगे हींग, 1 टुकड़ा डालेंगे अदरक का, थोड़ी सी डालेंगे नमकीन। और अब इसको हमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हमें अच्छे से ग्राइंड। ये हमारी हरी चटनी बनके तैयार हो गई है और अब इसे हमें किसी चीज़ में निकाल लेना है। और अब हमें वड़े की चाट बनानी है, तो सबसे पहले हमें इसमें दही ऐड करना है, दही डालना है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और इसमें मैंने 2 चम्मच मीठा ऐड किया है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, चीनी, बूरा।
इसमें हमें ऐड करनी है मीठी चटनी। मीठी चटनी मैंने पहले बना रखी है, उसकी वीडियो मैंने सेपरेट बनाई है, तो आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कर सकते हैं। और ये मैंने हरी चटनी बनाई है, और ये हरी चटनी हमें इसमें अच्छे से ऐड कर देनी है। और इसमें मसाले ऐड करने हैं, तो सबसे पहले हम डालेंगे नमक, आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा हमें ऐड करना है इसमें काला नमक, थोड़ा सा हमें ऐड करना है भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा ऐड करना है चाट मसाला, और अब हमें ऐड करने हैं इसमें थोड़े से अनार के दाने, और अब इसमें हमें ऐड करनी है थोड़ी सी भुजिया, इसे छोटी वाली वो बारीक वाली सेव होती है वो, और आप देख सकते हैं चाट हमारी बनके तैयार। तो आप देख सकते हैं हमारी आलू वड़ा चाट बनके तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही कम टाइम लगता है इसको बनाने में भी, और लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट।